सिंह और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। आगरा से बड़ी खबर, बरसात से हुए जलभराव में एम्बुलेंस फंसी, एम्बुलेंस में महिला ने बच्ची को दिया जन्म। एम्बुलेंस करीब 4 घंटे से फंसी है पानी में, एम्बुलेंस में ही हुई महिला की डिलीवरी। स्थानीय पार्षद विजय वर्मा को जानकारी होने पर ट्रैक्टर लेकर पहुंचे मौके पर। एम्बुलेंस को निकलने की कवायद हुई शुरू, यमुना पार नूनिहाई नगला बिहारी का मामला। भैया ये पानी वजह से आया, कुछ निकाली नहीं, कुछ भी समझो आप, बोली थी ना उस टाइम बोले थे निकाली नहीं, पानी की वजह से निकाला, पानी ज्यादा हो रहा था इसलिए, फिर मैंने उसे बोला भी था। तो डिलीवरी गाड़ी के अंदर ही हो गई? हाँ। फिर मदद किससे मांगी आपने? पार्षद जी से, विजय वर्मा जी। ट्रैक्टर लेके आए, ट्रैक्टर से निकाल दी गाड़ी। कितने घंटे होती रही गाड़ी? अभी 5-6 घंटा तो है गई, 5 घंटा है। सुबह 7 बजे से एम्बुलेंस फंसी है और मैं डिलीवरी करवाने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जा रही थी और 1 से 8 पे मैंने कॉल की थी तो 7 बजे गाड़ी आ गई। 7 बजे से काहे में फंसी हुई थी? पानी में, बहुत पानी भरा हुआ है। तो किस वजह से फंसी हुई? पानी अधिक होने की वजह से या निकाली नहीं, क्या क्या वजह? पानी अधिक होने की वजह से फंसी हुई थी उसमें। 7 बजे से 8 बजे हमारी गाड़ी में डिलीवरी हो गई। गाड़ी में डिलीवरी? हाँ। कितने घंटे करीब इस समय कितना समय हो रहा है? कितना समय हो रहा? 1 बज गया 8 बजे से लगातार 1 बजे तक पानी में फंसे रहे थे। जच्चा बच्चा दोनों की तबीयत मतलब थोड़ी सी। आपने मदद नहीं मांगी किसी? मदद मांगी थी हमने, हमारे गांव के पास है अशोक वर्मा, विजय वर्मा पास है। तो वो पहुंचे मौके पर? हाँ, वो मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने गाड़ी मंगवाई थी, उन्होंने मतलब हमारी मदद की है। जगह कौन सी है ये? नगला बिहारी। मामला ये है कि जैसे बरसात होती है यहाँ नगला बिहारी का, जो रास्ता एक ही रास्ता है और बगल में नाला है, यहाँ जब भी बरसात होती है आधा घंटे की बरसात में इतना पानी बढ़ जाता है उस रोड पे कि आवागमन बंद हो जाता है। कोई भी रागीर गाँव का या शहरी जाने के लिए जाए तो रास्ता पूरा बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति आज हुई कि एक डिलीवरी होनी थी एक महिला की, जिसके पति का नाम विजय पाल है, वो अपने उसने 108 नंबर कॉल की एम्बुलेंस को, लो एम्बुलेंस लेने आई उसको। और जैसे वो लेकर नगला बिहारी गांव से निकली, सो बरसात होने लगी, बरसात होने उसको उस समय वो निकल सकती थी, हालांकि मेरी बात हुई उससे, उसका ये कहना था कि ये गाड़ी निकल जाती, लेकिन उसके ड्राइवर की भी लापरवाही रही कि उसने गाड़ी वहीं रोक दी, बोले बरसात खत्म हो जाएगी जब निकाले।